हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेट्स केयर एंड इन्फो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक लुटिनों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस के हवाले से है। मेरे पास लुटिनों के इस वक्त 3 पेयर मौजूद हैं और ये जो आप लोग केज सामने देख रहे हैं, ठीक है, ये तकरीबन 4 पोर्शन का केज है। इसमें सबसे नीचे जो है वो जावा का पेयर रखा हुआ है और ऊपर के जो ये 3 पोर्शन है इसमें मैंने लुटिनों के पेयर रखे हुए हैं। अच्छा, इनके ब्रीडिंग बॉक्स लगाने में मुझे इस साल थोड़ी सी जो है वो देर हो गई और दूसरा ये कि मैंने ख़ुद भी थोड़ा सा डिले किया क्योंकि कराची पाकिस्तान के अंदर मौसम की तब्दीली जो है ना कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, बारिशें वगैरह हो गई थी तो मौसम स्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने ख़ुद भी थोड़ा सा डिले किया और फिर टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने इस वजह से क्या किया कि इनके ब्रीडिंग बॉक्सेस जब भी 1-1.5 महीने पहले ही लगाएँ, तो इसमें से जो ऊपर 2 पोर्शन में जो पेयर हैं इन्होंने शायद ब्रीडिंग कर दी है क्योंकि इसका मेल जो है वो मुस्तकिल बाहर बैठा रहता है और फीमेल जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर रहती है। लुटिनों में इस तरह से या जितने भी लव बर्ड फैमिली है उसमें इस तरह से होता है कि अगर इनको एग लेइंग करनी होती है नेस्ट, तो ये क्या करते हैं कि अपनी नेस्टिंग करते हैं और दोनों जो है मेल फीमेल बॉक्स के अंदर ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं और जब एग लेइंग कर देते हैं उसके बाद जो है वो फीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर ज़्यादा रहती है और मेल जो है वो बाहर ही बैठा रहता है और जो है वो चौकीदारी करता है, गार्ड कर रहा होता है अपने नेस्टिंग को। तो इनमें से 2 पेयर जो है वो उनका मेल जो है वो बाहर बैठे रहते हैं और तीसरा जो पेयर है उसके मेल फीमेल दोनों ही अंदर रहते हैं। अभी मैं यहाँ आया था तो इस वजह से ये दोनों जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि इन पेयर्स ने जो है वो क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई है इस सीज़न में। तो शुरू करते हैं अपने सबसे टॉप के जो है वो पेयर से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है वो फर्स्ट पेयर है। मैं इनके जो है वो केज के करीब आ गया हूँ और इनका नेस्टिंग बॉक्स में जो है वो अभी देखता हूँ कि इन्होंने जो है वो क्या प्रोग्रेस दिखाई है। ये इसका जो है मेल है, ये मुझे देख के जो है बाहर आ गया है और इसकी फ़ीमेल अंदर बैठी है। अच्छा, जब भी जो है आप किसी भी नेस्ट बॉक्स को देख रहे हो, ठीक है, तो पहले जो है इनको थोड़ा अलर्ट कर दिया करें वरना वो जो है जल्दबाजी में जो है पेयर क्या करता है, बाहर आने के चक्कर में अपने अंडे जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, पहले इसको जो है हमें नॉक करना है, ठीक है, ताकि फ़ीमेल जो है अलर्ट हो जाए कि हम इसके जो है नेस्ट बॉक्स में देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता से खोलना है और फिर हम इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करते हैं। ये देखें, इसने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त नेस्टिंग की हुई है। फीमेल भी अब जो है ये बाहर आ गई, ये देखिए, ये इसकी फ़ीमेल है जो स्टिक पे बैठी हुई है और वो इसका मेल है। अब इसकी जो है हम नेस्टिंग हटा के थोड़ी सी और इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करते हैं कि इसने जो है वो, ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से इसने जो है वो मेरे ख्याल से 4 अंडे दिए थे और जिसमें से एक जो है वो बच्चा भी बाहर आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है, ठीक है। अब मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब करे बगैर जो है वो ये इनकी नेस्टिंग वापसी इस तरह से कर देता हूँ और इससे थोड़ा सेफ़ फील करते हैं और इसके बॉक्स को जो है हम बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे फर्स्ट पेयर की प्रोग्रेस। अब हम चलते हैं इससे नीचे वाले में, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड बॉक्स है। इसके जो है मेल फीमेल दोनों अंदर हैं, ठीक है। इनको हम इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नॉक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये फिर अलर्ट होकर खुद ही बाहर आ जाएंगे। ये इसके मेल फीमेल दोनों बाहर आ गए, ठीक है, और अब हम इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करते हैं कि इन्होंने जो है वो क्या प्रोग्रेस दिखाई है। माशाल्लाह इस पेयर ने भी जो है वो 4 अंडे लेकर हैं, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह चारों एग जो हैं वो फ्रेश हैं और इसको भी हम जो है वो आराम से बंद कर देते हैं और फिर चलते हैं अपने तीसरे पेयर की जानिब। ये हमारा जो है तीसरा पेयर है, ये जो है मुस्तकिल ज़्यादातर बाहर ही है, ठीक है, कभी कभार अंदर जा रहे हैं और दोनों ही साथ बैठे हैं। इसका मतलब कि इन्होंने शायद जो है वो एगलिंग नहीं की होगी, पर हम इसको भी जो है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो है अभी कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं दिखाई है, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो पेयर है वो भी बहुत जल्द जो है वो एगलिंग कर देगा, ठीक है। इसमें जो डार्क हेड का है वो मेल है, ठीक है, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जो है ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल थोड़ी सी जो है वो गंदी भी हो रही है क्योंकि इसकी जो है वो आई इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने इसको पॉलीफेक्स वगैरह लगाया था और ड्रॉप्स डाले थे,
तो जिसकी वजह से थोड़ी सी पकड़ने की वजह से गंदी हो गई है। और चौथा जो है हमारे पास नीचे ये जावा का पेयर है। जावा ने भी जो है वो अच्छी नेस्टिंग वगैरह की हुई है और इसकी भी फीमेल जो है मुस्तकिल अंदर बैठी हुई है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने भी जो है वो ब्रीड कर दी है। इसकी प्रोग्रेस मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि जावा की क्या प्रोग्रेस है। तो फ्रेंड्स अपनी वीडियो को जो है वो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।